नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत करता हूँ हमारी चैनल पर एक नया वीडियो के साथ। दोस्तों आज आपको ऐसा एक देश की यात्रा पर लेके जा रहे हैं जिसका भारत के साथ एक खास रिश्ता है। अक्सर लोग ये कहते हैं कि इस देश में पंजाब की झलक साफ साफ दिखती है। हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ कनाडा के बारे में। भारत और कनाडा का ये रिश्ता काफी पुराना है। हर साल भारत से करीब 30,000 लोग कनाडा जाकर बस जाते हैं। दोस्तों इस देश के क्षेत्रफल का बात करो तो 99.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो कि रशिया का बाद कनाडा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। कनाडा की कैपिटल सिटी ओटावा है और इस देश की कुल जनसंख्या 3.60 करोड़ के आसपास है। दोस्तों मेरा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस वीडियो में आपको कनाडा के बारे में कुछ दिलचस्प बातें शेयर करेंगे जो शायद पहले कभी आपने नहीं सुना हो। साथ में कनाडा के टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानकारियां देने जा रहे हैं। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आप एक कैनेडियन लड़की का साथ डेट करने के लिए सोच रहे हैं तो कुछ बातें हैं जो आपको जानना जरूरी है। इसमें कोई शक नहीं है कि यहाँ की लड़कियाँ बहुत ज्यादा खूबसूरत दिखता है। इस देश की लड़कियाँ बहुत ज्यादा फ्रेंडली होती है। कैनेडियन लड़कियाँ जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा समय बाहर बिताना पसंद करती है। और दोस्तों यहाँ की लड़कियों को कभी भी अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ की लड़कियाँ बहुत ज्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट होती है। कैनेडियन लड़कियाँ हेल्दी लाइफस्टाइल बिताना पसंद करती है। यहाँ की लड़कियाँ अपनी भावनाओं को दिखाने से नहीं डरती। दोस्तों कनाडा में काफी ठंड पड़ती है। कहते कि यह इतनी ठंड पड़ती है कि समुद्र का पानी जम जाता है और वहाँ के लोग उस पर आइस हॉकी का मजा लेते हैं। दोस्तों अभी जो बात करने जा रहा हूँ वो सुनने के बाद आप अपने हंसी को रोक नहीं पाएंगे। कनाडा में चूहा पालना बहुत ही मुश्किल काम होता है, क्योंकि वहाँ पर चूहा पालने के लिए आपको सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है। दरअसल कनाडा में जिंदे चूहे को बेचना या मारना गैरकानूनी है। कहते कि कनाडा में कुछ हिस्सों में मध्याकर्षण स्तर दूसरे हिस्से की तुलना में बहुत कम है, जिसके वजह से वहां पर आपको हवा में उड़ने का अनुभव भी होता है। कनाडा को दुनिया का सबसे वेल एडुकेटेड देश माना जाता है। यहाँ के 52% लोगों के पास कॉलेज डिग्री मौजूद है। कनाडा के कॉलेज की पढ़ाई बहुत ही हाई लेवल का होता है। ऐसा माना जाता है कि कनाडा देश का पानी मिनरल वाटर से भी ज्यादा साफ है, और दुनिया का 20% पानी सिर्फ कनाडा के जिलों में ही पाया जाता है। कनाडा की लगभग 30% जमीन पर जंगल की कब्जा है। ये जंगल इतने बड़े हैं कि इनमें जापान, इटली, कंबोडिया, फ्रांस, जर्मनी, कैमरून, साउथ कोरिया, उरुग्वे और इंग्लैंड सब समा सकते हैं। कनाडा में प्रोस्टिट्यूशन कानूनी मान्य है, लेकिन प्रोस्टिट्यूट को खरीदा नहीं जा सकता। कनाडा का जीवन स्तर दुनिया में उच्चतम गुणवत्ता है और परिवार को पालने के लिए एक बेहतरीन जगह माना जाता है। कनाडा में एपोलॉजी एक्ट बोल के कानून बनाया गया है। अगर कोई किसी का दिल दुखाता है या कोई नुकसान करता है तो कोर्टरूम में जाकर लिखित माफी और नुकसान के लिए भरपाई दे सकते हैं। यह की सोच ऐसा है कि मन को आजाद कर दो, किसी अपराध बुद्ध में मत जियो। भारतीयों क्यों कनाडा जाना पसंद करते हैं, इसका कुछ कारण है। जब भी आप दूसरे देश पर जाते हैं तो आपको उस देश के कल्चर को समझने के लिए काफी टाइम लगता है, लेकिन कनाडा एक ऐसा देश है जहाँ पे जल्दी अपने आप को कल्चर के साथ एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा भारतीय लोग रहते हैं, तो खान पान के लिए आपको बहुत सारा रेस्टोरेंट भी मिल जाता है। वहाँ के लोगों के साथ आप जल्दी भी मिलजुल सकते हैं। बाकी देशों के साथ तुलना करें तो कनाडा में जॉब मिलना बहुत ही आसान है। ऐसे बहुत सारे सुविधाएं कनाडा गवर्नमेंट प्रदान करती है, जैसे कि बच्चों का पढ़ाई बिल्कुल फ्री रहता है क्लास 12 तक, और कनाडा में फ्री हेल्थ केयर प्रदान की जाती है। सबसे खास बात यह है कि कनाडा एक पीसफुल कंट्री है, दुनिया की 10 पीसफुल कंट्री में से एक है। कनाडा देश अपनी विविधता और लोकप्रियता के लिए दुनिया भर में मशहूर है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कनाडा को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र माना जाता है, और यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन सभी धर्म के लोग रहते हैं। कनाडा अपनी मेहमान नवाजी के लिए भी काफी मशहूर है। यहाँ की खूबसूरत पर्यटन स्थल की वजह से पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। कनाडा की यात्रा पर जाने वाले पर्यटक कनाडाई नाइट लाइफ की लुत्फ उठाने नहीं भूलते हैं। कनाडा की डांस क्लब, पब या कैसिनो आपकी नाइट को रंगीन बना देते हैं। नियाग्रा फॉल्स कनाडा की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। यह ऊंची पहाड़ियों से गिरता पानी इस जगह की खूबसूरती को चार चांद लगा देती है। इसको हनीमून कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में भी जाना जाता है। क्यूबेक शहर कनाडा के सबसे पुराने शहरों में से एक है। यह फ्रांसीसी विरासत को महसूस किया जा सकता है, जो अधिकतर बिल्डिंग फ्रांस के इंटीरियर के हिसाब से बनी हुई है। इसकी वास्तुकला पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। प्रिंस एडवर्ड आइलैंड कनाडा का खूबसूरत जगह है। ये अपने रेतीले समुद्र तटों और लाल चट्टानों के लिए काफी प्रसिद्ध है। शाम के समय यहाँ पर नहाने का अलग ही एहसास होता है। कनाडा का नेशनल पार्क अपनी खूबसूरत पहाड़ियों के लिए काफी फेमस है। इसे धरती पर स्वर्ग से कम नहीं कहा जाता है। यूनेस्को ने इस जगह को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया हुआ है। केप ब्रेटन ये उत्तरी अमेरिका की तट पर स्थित एक द्वीप है, जो अपनी सुंदर रास्तों के लिए दूर दूर तक मशहूर है। अब्राहम लेक ये कनाडा का काफी अच्छा पर्यटन स्थल है। यहाँ पर सर्दियों में टेम्परेचर -30 फारेनहाइट चला जाता है, जिससे लेक में पानी की बुलबुली उठते हैं और तुरंत जम जाते हैं, जो बहुत ही सुंदर दृश्य है। वेस्टर्न बुक पॉइंट ये 10 माइल लंबा न्यू फाउंडलैंड के नेशनल पार्क में स्थित है। इसे नेचुरल मास्टरपीस कहा जाता है।
यहाँ पर आपको वाटरफॉल्स, पुरानी चट्टानों, ऊंची माउंटेन्स देखने को मिलेगा, जो कि किसी एडवेंचर से कम नहीं है। पेगीस्कोप एक कनाडा का छोटा गांव है जो अपनी स्टनिंग सीनरी, फ्रेश सी फूड के लिए फेमस है। यह जगह लाइट हाउस की वजह से पर्यटकों को काफी आकर्षित करता है। विक्टोरिया कनाडा का खूबसूरत पर्यटन स्थलों में से एक है जो अपनी सुगंधित जलवायु, प्राकृतिक सुंदरता और इतिहास के लिए जाना जाते हैं। यहाँ पर आपको ऐतिहासिक विरासत संग्रहालय, टेल्स और पार्क देखने को मिलेगा। नाहानी नेशनल पार्क, ये पार्क 4700 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है। यहाँ आपको बड़े बड़े वाटरफॉल्स और गुफाएं देखने को मिलेगा। टोरंटो कनाडा की सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। टोरंटो शहर का थिएटर, संगीत, गगनचुंबी इमारतों के लिए जाना जाता है। कनाडा घूमने के लिए सबसे अच्छा समय सितंबर से नवंबर के बीच माना जाता है, क्योंकि इस समय के दौरान सर्दियों का मौसम रहता है, जो कि पर्यटन के लिहाज से सही माना जाता है। दोस्तों, हम आपसे जानना चाहेंगे कि कनाडा का कौन सा टूरिस्ट प्लेस आपको ज़्यादा अच्छा लगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। दोस्तों, आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों, हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ट्यून, टेक केयर।